हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो में करने वाले हैं वीवो S12 प्रो की अनबॉक्सिंग, जो कि इंडिया में वीवो V23 प्रो इस नाम से लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। ऑफकोर्स ये चाइनीज़ वेरियंट है, तो इसलिए बॉक्स पैकेजिंग डिफरेंट है। फ्रंट में हमें वीवो S12 प्रो लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, हालांकि इंडियन बॉक्स पैकेजिंग पे V23 प्रो ऐसा लिखा होगा। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है एक TPU केस, उसके बाद में एक USB टाइप सी केबल और फाइनली एक 44 वाट का फास्ट चार्जर। तो अब आते हैं हमारी डिवाइस की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो पीछे की तरफ आपको AG ग्लास बैक देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर मैट फिनिशिंग दी गई है। और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें हमें कलर चेंजिंग बैक देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे ही इसके बैक पे लाइट पड़ती है, यहाँ पे जो इसका बैक कलर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सनलाइट के अंडर इसका जो गोल्ड कलर है वो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर है। तो यहाँ पे हमें कलर चेंजिंग बैक देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साइड फ्रेम यहाँ पे हमें प्लास्टिक का दिया गया है और टॉप में यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेशनल फोटोग्राफी टेक्स्ट लिखा गया है। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 6.56 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 90 हर्ट्स कर्व्ड AMOLED पैनल। और यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कर्व्स जो है वो बहुत ही मिनिमल दी गए हैं, इसकी मदद से जो इन हैंड फील है वो भी बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पे जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा देखने को मिल जाता है। बट हमें यहाँ पे एक नॉच देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। बट नॉच का रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें ड्यूअल सेल्फी कैमराज देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है MediaTek का Dimensity 1200 चिपसेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। उसी के साथ में है LPDDR4X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज। तो डे टू डे यूजेस में आपको कोई भी लैग स्टटर देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल जाता है। और ये रहा इसका अंतिम स्कोर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर यहाँ पे निकल के आ चुका है। गेमिंग के मामले में भी ये फोन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा, हालांकि स्नैपड्रैगन 870 के कंपैरिजन में गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको कम देखने को मिल ही जाती है। अब बात करें कैमराज की, तो पीछे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। प्राइमरी है 108MP का HM2 सेंसर, बाद में एक 8MP का अल्ट्रा वाइड और एक 2MP का डेप्थ सेंसर। फ्रंट में आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। प्राइमरी है एक 50MP का सेंसर, बाद में एक 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो इस तरह का कुछ कैमरा सेटअप यहाँ पे दिया गया है। तो ये रहे कुछ इमेज सैंपल्स जो कि इसी फोन से खींचे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डे लाइट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेजेस ये खींच लेता है। अब बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है 4300 mAh की बैटरी और उसके साथ में है 44 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। अच्छी खासी बैटरी बैकअप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, हालांकि यहाँ पे एटलीस्ट 4500 या फिर 5000 mAh की बैटरी दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। उसी के साथ में एक कॉन जो मुझे यहाँ पे लगा वो है सिंगल स्पीकर। यहाँ पे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को नहीं मिलते, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिस प्राइस पे ये डिवाइस आने वाला है उस प्राइस पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स तो होने ही चाहिए। बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ओरिजिन OS ओशियन ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉयड 11। अभी ये चाइनीज़ वेरियंट है तो इसलिए यहाँ पे ओरिजिन OS दिया गया है, बट जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा तब इसमें हमें फन टच OS 12 देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 12 पे आ सकता है। फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो चाइना में जो इसका बेस मॉडल है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला, उसकी प्राइसिंग है 3399 yuan, जो कि होती है अराउंड 40,000 rupees। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो कौन से इस प्राइसिंग के हिसाब से प्लास्टिक फ्रेम हमें दिया गया है, यहाँ पे OIS देखने को नहीं मिलता और यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्पीकर दिया गया है और बाद में एक 2MP का डेप्थ सेंसर, जो कि ऑलमोस्ट यूजलेस ही है। तो 40,000 के प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि ये डिवाइस थोड़ा सा ओवर प्राइज है, हालांकि हमें देखना होगा कि इसकी इंडियन प्राइसिंग कैसी होगी। अगर ये फ़ोन 35,000 के आसपास आ जाता है तो ये एक डिसेंट सी डील हो सकती है, बट अगर इसकी प्राइस 40,000 तक इंडिया में होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन इतना कुछ खास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑफकोर्स यहाँ पे जो कलर चेंजिंग बैक है वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा फीचर है और जो सेल्फी कैमराज है इसके बहुत ही एक्सेलेंट है इस प्राइस रेंज में, बट जो बाकी की चीज़ें हैं वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ओके ही हमें देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली हमें देखना होगा कि इंडिया में ये फ़ोन किस प्राइसिंग पे आता है और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन हमें कौन सा देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना में तो एंड्रॉयड 11 दिया गया है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एंड्रॉयड 12 के साथ में ये इंडिया में लॉन्च हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो V23 Pro के साथ में V23 भी लॉन्च होने वाला है और ये दोनों ही डिवाइसेस 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो यहाँ पे हमें जल्द ही पता चलने वाला है कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी और यहाँ पे हमें क्या क्या डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे फर्स्ट सेल पे। तो बस आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए, इसी तरह की लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और इंडिया में किस प्राइसिंग पर आपको ये डिवाइस देखना है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।